पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का अमेरिका दौरा खत्म हो गया है, लेकिन इससे जुड़ी चर्चाएं जारी हैं। अमेरिका में इमरान फैशनेबल सलवार कमीज और जैकेट में नजर आए। अब इनको लेकर दो तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। कुछ में कहा जा रहा है कि इमरान ने दौरे के लिए 7 जोड़ी सलवार कमीज, जैकेट और पेशावरी स्लीपर तैयार कराई। एक सेट पर कम से कम 20,000 रुपए खर्च हुए। दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान ने 7 जोड़ी कपड़े तो तैयार कराए, लेकिन ये उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने सिलवाए, और वो भी बहुत कम कीमत में एक लोकल ट्रेलर से। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक, इस्लामाबाद के एक लग्जरी क्लॉथ स्टोर मोहतरम को इमरान की ड्रेस तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। प्रति जोड़ी कितना खर्च आया ये साफ नहीं है, लेकिन इस स्टोर में एक जोड़ी सलवार कमीज जो इमरान ने पहनी की कीमत कम से कम 16,000 रुपए है। जैकेट और स्लीपर की कीमत इसमें शामिल नहीं है। अनुमान के मुताबिक 7 सलवार कमीज और जैकेट के सेट की कीमत करीब 1.50 लाख रुपए होगी। दूसरी तरफ ला प्रेबिका स्टोर ने भी यही दावा किया है, लेकिन अब ये दोनों ही स्टोर आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बुशरा बीबी की पसंद, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी ने कपड़ा खरीद कर एक लोकल ट्रेलर से बहुत कम दाम में पति के अमेरिकी दौरे के लिए ड्रेस तैयार कराई थी। सोशल मीडिया पर इमरान के कपड़ों को लेकर बहस छिड़ गई है। विवाद बढ़ने पर इमरान के विशेष विदेश सचिव जुल्फी बुखारी को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री की पत्नी बुशरा बीबी ने कपड़ा खरीदा और एक लोकल ट्रेलर से सिलवाया, इसमें ज्यादा खर्च नहीं हुआ। पीएम को डिजाइनर कपड़ों का शौक नहीं है, वो सादगी पसंद है। अगर कुछ लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो धोखेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इमरान के डिजाइनर कपड़ों की चर्चा पाकिस्तान और बाहरी मीडिया में भी लगातार हो रही है।